तो ये अभी हमने उस क्या पे किया है, डालना। इसका बीज उपचार किया है, जो कि हम हर बार की तरह आपको बताते हैं। ये इंसेक्टिसाइड से ट्रीटमेंट करना उस मूंग को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि YBM जो है वो एक समस्या है। बहुत सारी समस्या इंसेक्ट से सबसे ज़्यादा लगती है। और ये जो वैरायटी है, इसका नाम है हम 16। वैसे इसमें लिखा हुआ है मालवीय 16 और जन कल्याणी। ये काशी विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी का मूंग है और ये ब्रीडर सीड है। यहाँ पे लिखा है BS, BS का मतलब ब्रीडर सीड, और ये पर्ची वाला सीड है। 40 किलो हमने ट्राई करना है। मैंने कहा एक बार इसको भी करके देख लेते हैं, तो पता चलेगा अपने को। ओ मैं डीजल कितने डाले होते ओ मैं ट्रैक्टर में, टैंक फुल कर लियो नहीं हो। तो अभी इसको हम बो के आपको इसकी वीडियोस, जैसे हमने पिछली वैरायटियों की दी थी, उस प्रकार हम देते रहेंगे। ये काफ़ी पुरानी वैरायटी, ऐसा नहीं है कि नई वैरायटी है, पर बीच बीच में इसका चलन बंद हो गया था। फिर अभी जब से पानी की लोगों को समस्याएं पड़ने लगी है, तब से वापस से इसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। और इसका जो दाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका दाना है बड़ा बोल्ड सीड है इसका, मतलब अभी तक मैंने मूंग देखे उनमें सबसे बड़ा दाना यही देखा है। तो ये शायद है कि मंडी में भी इसका रेट और डिमांड जो है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट के सीड में मिस्टेक तो आती है, 1-2% खाया हुआ दिख रहा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको हम लगाते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स ये देता है। लाड़ प्यार ने अभी हम एक नया बीज जो है इस साल ट्राई कर रहे हैं। इस बीज का नाम है, जो कि हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से ये पूसा मेले से आया था, तो ये ज़्यादा सीड नहीं है लेकिन ये नई वैरायटी है, तो उनका ट्राई कर लेते हैं। तो इसका नाम है पूसा 1641। इसके करेक्टर सेम करेक्टर जो है वो कह रहे हैं कि है तो 1431 जैसा, लेकिन उससे मॉडिफाइड है, उससे ईल्ड में जो है वो ज़्यादा है। दाने की स्टाइल तो लगभग उसी स्टाइल में दिख रही है, बाकी इसका दाना भी बड़ा है, जिससे कि क्या है कि जो मंडी है और जो लोग मंडी वाले होते हैं उनको काफ़ी अट्रैक्शन मिलता है ऐसे दाने पे। तो अभी इसका भी ट्राई कर ले रहे हैं कि देखते हैं कि ये हमारे यहाँ कैसा परफॉर्मेंस देती है और क्या इसके रिजल्ट आते हैं। बाकी आपको डिटेल में आगे देते रहूँगा कि ये वैरायटी परफॉर्मेंस में कितनी रही। तो रेगुलर वीडियोस इसके आएंगे, और अगर किसी ने इसको ट्राई किया हो तो वो भी मेरे को कमेंट करके बताएं कि यार हमने भैया इसको ट्राई किया था, हमारे को सहयोग भैया ने भी ये जो है आधा किलो दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हमने क्या किया कि सर को लगाया था वहाँ पे फ़ोन, तो थोड़ा सा बीज उनने भी हमें अवेलेबल करवाया। तो इतना सीड हमारे लिए बहुत है, हम 4-5 किलो में काफ़ी वैरायटी की क्वांटिटी बना लेंगे। हमारे को एक सीड और भेजा है इस बार अयोध्या एग्रीटेक वालों ने, लेकिन उनमें बस ये है कि इसका नाम वो अभी बता नहीं रहे हैं। फिर से वो बोल रहे हैं कि आप लगाइए और हमें रिज़ल्ट बताइए। तो ये जो है फिक्स 1.5 किलो बीज हमारे पास इसका उनने भेजा है। अब ये कितना निकलता है, कैसा निकलता है और क्या परफॉर्मेंस देता है, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे कि मतलब एक्चुअल में ये कैसा रहा। अभी हमने गाउचो से ट्रीटेड किया है इसको और थोड़ा धूप लगा रहे हैं ताकि ये सूख जाए। और इसका दाना जो है वो दाना आप देखो तो थोड़ा बोल्ड दाना है। पिछली बार जो दाना इनने भेजा था, मतलब वो अलग दाना था, ये अलग दाना है। तो ये वैरायटियों पे तो काम शायद है कि इनका बढ़िया चल रहा है, क्योंकि हर बार एक नई वैरायटी ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसका कैसा रिजल्ट आएगा ये तो मैं आपको वीडियो बना के बताते रहूँगा। और पिछली बार मैंने इसलिए नाम नहीं लिया था पहले, क्योंकि देखिए प्राइवेट कंपनी पर इतनी जल्दी भरोसा अपने को नहीं आता है। पर अभी इनने फिर से जब दमदारी से अपने सामने पेश किया है मटेरियल, तो फिर अपन चेक कर लेते हैं कि इसका भी परफॉर्मेंस कैसा आएगा। पिछली बार वाला तो काफ़ी गुड था, मतलब मान्यवर वाला जो सीड है वो मैंने इस बार लगभग बहुत बड़े हिस्से में लगाया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। हालांकि वो अयोध्या एग्रीटेक वाले जो बंदे हैं उनका नंबर मैं अभी डाल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो फिर लोग कहेंगे कि यार ये तो प्रचार करते हैं। अगर वो रिस्पॉन्स अच्छा देगा तो मैं अगली बार उसका नंबर मेंशन आपको कर दूंगा। इस साल में लार्ज स्केल में चेक भी हो जाएगा, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएगी। ये 1.5 किलो का पता चल जाएगा और वो जो लार्ज स्केल पे लगा उसका पता चल जाएगा।